आपको भी भाई। वाह, अरे ये क्यों? अरे नहीं, अरे कुल मिला के आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि हमारे पढ़ने के लक्षण नहीं है भाई? पहले तो इकोनॉमी वाली क्लास थी, तो शायद सर ने कोई मैसेज गलत पढ़ लिया, उनको लगा मेरे 700 में टेस्ट हो गया तो मेरी क्लास है, तो वो आ नहीं पाए, तो मैं लेट हो गया आने में, मैं घर चला गया था वापस आने में। तो पहले तो वैसे क्लास लेट आपकी, फिर आपको लगे कि ये आदमी आधे घंटे भी क्यों पढ़ा दे, है ना? हम ऐसा कुछ ना कुछ कुचर नहीं कर दे ताकि पढ़ा नहीं पाए। आपने टीचर्स डे वाली बात बोली, मैं इग्नोर मार गया, मगर आप टीचर हो तो आप केक ले आए, मतलब केक केक क्यों काटना होता है? काटना होता है हा? चलो बाद में काट ले, क्लास के बाद में। तो अरे अरे मतलब आज लास्ट क्लास है, ओए खड़ा हो देखे, कल कल यहां आना कि नहीं आना? कल आना है भाई, कल कोचिंग लगनी चाहिए कि नहीं? तो ऐसे हॉल है मचाओगे तो मॉल वाले आज ही खाली करवा लेंगे। जिस दिन इस मॉल में आए थे उस दिन ही मैंने कहा था, नहीं कहती ये बात कि यार भाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या करूं काटूं इसको? अरे हो अल्ले नहीं मचा, फिर कहेगी हमने सर से ये सीखा ये सीखा। मैं टीचर्स डे के दिन तो मेरी बात मानो, अरे कैमरे नीचे रखो रे, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा ने मोबाइल दिलाया तुम्हें, औरों के पास तो है ही नहीं मोबाइल जैसे, काट दूं इसको? तो मैं खाऊं, मैं खुद ही खा लूं, लो लो मैं खा ले, तो मैं खा ले, तो आओ और टीचर्स को बुलाऊं? अब कहां से बुलाऊं, वो क्लास ले रहे हैं सर एक सारे। हाँ लो बस ठीक, अब आप रखो रखो, वाह वाह अब पढ़ो, ले जाओ इस, तुम खाना, वाह। क्या सुनो, अरे अरे जिनके मां बाप ने इतने सीटी वाले लक्षण दिए ना, प्लीज तू क्या ले आए? तू ठीक है यार, रखे रख लो वो। तुम्हारे मैं हमेशा कहता ही हूं तुम्हें कि तुम्हारे अंदर का कांस्टेबल मरता नहीं है, है ना? तुम दाब के चवन्ने हो, चवन्ने थे, तुम आरएस भी बन जाओगे ना तो भी तुम्हें कोई देख के कहेगा कि ये कैसे हुआ पास, लखन नाम की इसमें चीज नहीं है ना। और फिर तुम जाके हमें गालियां और निकलवाओगे कि यार ऐसे किसने पढ़ाया था इनको, इतने बेलखने लोग कहां से आए? तो तुम टीचर्स डे के दिन लो हंसो, तो भी एक बार हंस लो, हंस लिए तो हाँ? केक, हाँ केक मेरे को खूब अच्छा लगा, हाँ बाद में खा लूंगा। हाँ तुम चवन्नों की तरह करो और मेरे से अपेक्षा करो, आज के दिन मेरे से क्यों डायलॉग सुनो रहे तुम सारे के सारे? आज के दिन शांति रखो, तुम तो ढंग के मिनख बन जाओ। मैं हमेशा ही ये कहता था कि भाई स्प्रिंग बोर्ड में आके और किसी का कुछ भला हो नहीं हो, बंदा मिनख ढंग का बनता है, यहाँ आके सीखता है, व्यवहार सीखता है, कैसे उठना बैठना चलना फिरना ये सीखता है। मुझे लगता है आप जैसे बच्चों को जब मैं देखता हूं कि मुझे मेरे सेंटेंस को सही कर लेना चाहिए और मुझे ये कहना चाहिए कि बेलखने लोग कहीं भी जाके सुधरते